हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन भुवनेश माथुर आरएएस चैनल। आज हम इस वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजेस को समझेंगे जो कि करीब करीब हर एग्जाम्स में आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गिव इन। एक इडियम और फ्रेजेस का नंबर वन हम कर रहे हैं गिव इन। गिव इन का मतलब है समर्पण कर देना, सरेंडर कर देना इंग्लिश में। तो क्या इसका सेंटेंस बन सकता है? जैसे आरएएस मेन में हमारे आता है तो अपन बनाएंगे गिविन का ही इज अ ब्रेव मैन, ही विल नॉट गिव इन। तो गिव इन का मैंने आपको बताया सरेंडर यानी समर्पण कर देना, याद रखिएगा। हैंड एंड ग्लव्स बहुत कॉमन है, आपको पता भी होगा। हैंड्स एंड ग्लव्स, देखिए क्या होता है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस में शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता, उसके पीछे क्या एक्सप्रेशन है वो समझने की जरूरत ज्यादा होती है। तो हमें क्या करना है, हैंड्स एंड ग्लव्स। वैसे तो आप हिंदी में मीनिंग लगाएंगे हैंड्स एंड ग्लव्स तो क्या हो जाएगा, हाथ और दस्ताने। जी नहीं, हैंड एंड ग्लव्स यहाँ पे कह रहा है कि वो कोई दो जने आपस में मिले हुए हैं, याद रखिएगा। हैंड्स एंड ग्लव्स का मतलब यहाँ पर ये है, क्या है, वो लोग वेरी इंटीमेट फ्रेंड्स। तो हम कह सकते हैं कि पीटर एंड केविन आर हैंड्स इन ग्लव्स। इस तरह से हमको सेंटेंसेस समझ में आ जाने चाहिए और बनाना चाहिए। हैंड्स एंड ग्लव्स का समझ लीजिए कि बहुत उनमें दोस्ती है, वेरी इंटीमेट फ्रेंड्स। चलिए अब थर्ड हम करते हैं हार्ड एंड फास्ट। कि देखिए हार्ड एंड फास्ट कॉमन भाषा में हम यूज करते हैं। वैसे तो हार्ड का मतलब हो गया बहुत सख्त, फास्ट का मतलब कि बहुत ही जरूरी। यहाँ पर ये इसका शाब्दिक अर्थ आएगा। वैसे तो फास्ट का तेजी होता है, अगर हिंदी में हम जाते हैं तो यहाँ उसमें नहीं जाइएगा। हार्ड एंड फास्ट, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ऑफिस सुबह 9 बजे ही आए, इस तरह से समझे। तो हार्ड एंड फास्ट का हम क्या बना सकते हैं कि देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स टू होम टू वोट। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमें इसी अमुक अमुक पार्टी को वोट करना, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हार्ड एंड फास्ट के पीछे क्या एक्सप्रेशन हमको यूज करनी है। देन नेक्स्ट, हाउटी एंड नाउटी। कौन सा हॉटी, एच ओ टी टी वाई वाला नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूँ एच ए यू जी एच टी वाई एंड एन ए यू जी एस टी वाई, हाउटी एंड नॉटी। क्या कहते हैं कि कैसा हो कि वो एरोगेंट हो, किसी को भी गलत सलत बोल देता हो और शैतान किस्म का कोई व्यक्ति है, तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, हॉटी एंड नॉटी। द हॉटी एंड नॉटी एटीट्यूड ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट लाइक्ड बाई एनी मेंबर ऑफ द सोसाइटी। मैंने एक सेंटेंस बनाया कि हॉटी एंड नॉटी एटीट्यूड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी इज नॉट लाइक्ड बाई एनी मेंबर ऑफ द सोसाइटी। हिंदी में भी समझ लीजिए कि इस तरह का हॉटी व्यवहार यानी एक तरह से घमंड वाला व्यवहार, और नॉटी यानी हो गया थोड़ा सा परेशान करने वाला, शैतान, इस तरह के व्यक्ति को आप कहेंगे हॉटी एंड नॉटी पर्सन। तो हमने क्या बनाया, हाउटी एंड नॉटी एटीट्यूड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी इज नॉट लाइक्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो याद रखिएगा इस तरह से हमें ये डील करने। हार्ट एंड सोल बहुत कॉमन, आपने सुना होगा बहुत बार। हार्ट का मतलब हो गया हृदय, सोल का मतलब आत्मा। कि हार्ट एंड सोल मतलब यहां पर ये हो गया कि मैं पूरे समर्पण के साथ विद फुल डिवोशन I am making this video with full heart and soul. I am devoted towards my student. कि मैं अपना समर्पित हूँ अपने विद्यार्थियों के लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, I am producing this video with full heart and soul. तो इस तरह से ही आप sentences बनाने की practice जरूर कीजिए, जहां भी आपको मौका लगे सीखिए। Head and shoulder, वो प्रोडक्ट की नहीं सोचनी हमको, हेड एंड शोल्डर का मतलब हो गया कोई सुपीरियर व्यक्ति, यानी ऑफिसर के ऊपर भी ऑफिसर तो क्या होगा उसका, वो हेड एंड शोल्डर। तो हम कह सकते हैं क्या चीज, कि श्री विष्णु जी इज द हेड एंड शोल्डर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। यानी यहां पर कोई विष्णु जी नाम के व्यक्ति हैं, वो इस कंपनी के हेड एंड शोल्डर हैं। इस तरह से भी आप ये बना सकते हैं और भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर हेड एंड शोल्डर का मतलब कंधा और ये नहीं होगा, सिर और कंधा नहीं होगा, मानिए ये नहीं होगा बिल्कुल भी। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर क्या इम्प्लाई कर रहा है, क्या दिखा रहा है हमको, कि सुपीरियर की कोई आपको सेंटेंस में यूज करना है। हेल्टर स्केल्टर आपने जरूर सुना होगा,
एक ईडियो में हेल्टर स्केल्टर यानी हिंदी में इसका मीनिंग हो गया तितर बितर हो गया, हियर एंड देयर सारा सामान फैला हो तो हेल्टर स्केल्टर आप कह सकते हैं इसको। कि व्हेन द पुलिस अराइव्ड ऑन द सीन द होल रूम वाज इन हेल्टर स्केल्टर, कि जब पुलिस आई तो सारा कमरा, वो समझ जाएंगे कि सारे कमरे में सामान तितर बितर फैला हुआ था, इधर से उधर फैला हुआ था। आगे देखते हैं हरक्यूलियन टास्क, ये बहुत कॉमन है हरक्यूलियन टास्क, यानी कोई बहुत परिश्रम से युक्त बड़ा परेशानी वाला काम, बहुत मुश्किल काम था जो इस व्यक्ति ने किया, हरक्यूलियन टास्क। कि जैसे हम कह सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट इन राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज अ हरक्यूलियन टास्क, इतना मुश्किल काम है एक आरएएस बन जाना किसी भी कैंडिडेट के लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो इसको हम क्या यूज करेंगे, यहाँ हम हरक्यूलियन टास्क यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको हरक्यूलियन टास्क का मैंने आपको बताया, गिव इन का हमने शुरुआत की, गुड्स एंड चैटल्स की हमने बात की, हैंड्स एंड ग्लव्स मैंने आपको बताया, हाउटी एंड नोटी हमने चर्चा की, हार्ट एंड सोल की मैंने बात की आपको, हेल्टर स्केल्टर मैंने बताया, हरक्यूलियन टास्क ये हमने किया है अभी। अब हम चलते हैं हिट बिलो द बेल्ट। देखिए हिट बिलो द बेल्ट ये आया है बॉक्सिंग जो गेम है उससे। अब बॉक्सिंग गेम के नीचे आपको शायद मालूम होगा कि बेल्ट के नीचे कोई बॉक्सिंग मारना अलाउ नहीं होता, तो इस तरह से ये बनाया गया है कि हिट बिलो द बेल्ट यानी कानून का पालन नहीं करना और फाउल गेम खेलने वाले को अपन कहेंगे ही हैज हिट मी बिलो द बेल्ट, जो कानून के विपरीत जाके उसने मेरे साथ किया। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं हिट बिलो द बेल्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वन पे, हिदर एंड दिदर, हियर एंड देयर, इसमें क्या है हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, हिदर एंड दिदर भी बोलते हैं इसको, हियर एंड देयर। ही इज इन द हैबिट ऑफ पुटिंग हिज गुड्स हियर एंड देयर, वो अपना सामान कहीं पर भी रख देता है, कहीं पर भी आधा इधर आधा उधर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वन, हॉर्नेट्स नेस्ट, हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब कि कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी कर देना, कोई जैसे मैं कह नहीं सकता हूँ यहाँ पर कि कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी कोई भी विवाद खड़ा कर देना, उसको अपन कहेंगे हॉर्नेट्स नेस्ट। तो जैसे एक हम वर्ड ले सकते हैं कि द स्पीकर ऑफ लोकसभा स्टेट द हॉर्नेट्स नेस्ट बाय रेफरिंग टू दैट पॉइंट, कि लोकसभा के स्पीकर ने ततैये का छत्ता छेड़ दिया जब उन्होंने इस पॉइंट को सबके समक्ष रखा। कोई भी ऐसी बात हो सकती है जिससे कि विवाद एकदम से खड़ा हो जाए, विवादास्पद बयान दे देना भी आप याद रखें, मैं आपको हिंदी में भी बताता चल रहा हूं, हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब ये होगा। अब आपने सुना होगा ह्यू एंड क्राई, ह्यू कौन सा, एच यू ई एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई, इसमें क्या है कि एक ग्रेट नॉइज, बहुत जबरदस्त, जैसे सोशल मीडिया पे तूफान आ गया, टेलीविजन पे आ गया, अखबारों में बात फैल गई, ह्यू एंड क्राई मच गई पूरे देश में, है ना ऐसा। जैसे हम कह सकते हैं कि इस बिल पर विपक्ष ने बहुत हंगामा खड़ा किया, द ऑपोजिशन मेड मच ह्यू एंड क्राई ऑन दिस क्वेश्चन, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। ह्यू एंड क्राई का मतलब हो गया कि बहुत बड़ा तूफान सा लेके आ जाना, एकदम से उस चीज को हाईलाइट कर देना सारे माहौल में, ऐसे। इन्स एंड आउट्स, अब हम दूसरा कर रहे हैं, इन्स एंड आउट, इन्स एंड आउट का मतलब कि कंप्लीट डिटेल, कि जैसे होता है ना कि इस काम का सारा एबीसीडी तो एक्स को मालूम है, या द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस फाइल इज नोन टू मिस्टर शर्मा, यानी मैं हिंदी में बताता हूं कि मिस्टर शर्मा जी को इस फाइल की पूरी डिटेल्स मालूम है, या मैं ये बोलूं कि ऑल द डिटेल्स ऑफ इन्स, ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस फाइल इज वेरी वेल नोन टू द कलेक्टर ऑफ अजमेर, अगर ऐसी मैं बात बोलता हूं इसका मतलब हो गया पूरी डिटेल अजमेर के कलेक्टर साहब को मालूम है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमको ये समझने हैं और हमें इनके सेंटेंसेस बनाने होते हैं। याद रखिएगा कभी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस का वो मीनिंग नहीं है जो आपको लग रहा है, उनके पीछे एक मीनिंग छुपा हुआ है, उसको आप यूज कीजिए। आई होप मैं और भी ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बी विद मी विद भुवनेश माथुर आरएएस चैनल। थैंक यू एंड गुड लक।